का अगला बायोमोलिकल जो है वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन इज हेट्रोपोलीमर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का हेट्रोपोलीमर्स है। और एमिनो एसिड क्या है? तो एमिनो एसिड जो है ये मीथेन है, इसी का डेरिवेटिव्स है। अब देखिए ये दोनों हाइड्रोजन को हम मीथेन से रिप्लेस करके इसके जगह पर कार्बोक्साइल और अमाइन ग्रुप जोड़ देते हैं, NH2 यहाँ कार्बोक्साइल ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो ये हमारा एक सिंपल एमिनो एसिड बन गया। कुछ एग्जांपल्स बताते हैं एमिनो एसिड का। जानते हैं हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। जिस प्रकार 26 अल्फाबेटिक लेटर जो है उससे अनेकों शब्द बनता है, वर्ड बनता है, ठीक उसी प्रकार 20 तरह के 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। 20 तरह के एमिनो एसिड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को बनाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल एमिनो एसिड का। यहाँ पर देख रहे हैं ग्लाइसिन, देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। यहाँ अल्काइल ग्रुप जो है इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप है, इस पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, हमने नीचे R लिखा था, कहीं भी लिख सकते हैं दोनों में कोई भी, इस पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ H रख दिए हैं, ग्लाइसिन नाम पड़ गया। अब यहाँ पर देख NH2 C, यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। अगर इस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा एलानिन, इसका नाम हो जाएगा एलानिन। अब देखिए अगर इस जगह पर CH2OH रहता है तो इसका नाम हो जाएगा सेरीन, इसका नाम हो जाएगा सेरीन। अब क्या है कि ये एमिनो एसिड जो है आपस में जुटता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड। तो इसका कार्बोक्साइल ग्रुप है और इसका एमाइन ग्रुप है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से वाटर मोलिकुल जो है बाहर निकलता है, यहाँ से वाटर मोलिकुल जो है बाहर निकलता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो देखिए क्या होता है, NH2 H, यहाँ C बचा है, फिर O, फिर H, फिर N, और तो कुछ बचा नहीं। इसके बाद इधर आते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर देखिए C, O, H, N बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए C, यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर H, यहाँ पर C OH। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि थ्री एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। अगर इस तरह के बहुत सारा एमिनो एसिड यानी नंबर ऑफ एमिनो एसिड जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीमर है एमिनो एसिड का, वो भी हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि देख रहे हैं ना कहीं ग्लाइसिन है, कहीं एलानिन है, कहीं सेरीन है। इस तरह के 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन पहला जो एमिनो एसिड होगा वो मिथियोनिन होगा। किसी भी प्रोटीन का फर्स्ट एमिनो एसिड मिथियोनिन होगा, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया जाएगा क्लास 12th में। अब आगे देखते हैं, तो ये जो इंड है पेप्टाइड बॉन्ड का, दो इंड हो गया,
ये एंड जो है इसको एंड टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि यहां पर एमाइनो ग्रुप अटैच है, और इसको कहते हैं सी टर्मिनल क्योंकि यहां कार्बोक्साइल ग्रुप है। तो दो टर्मिनल हो गया, एक सी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल। तो ये प्रोटीन के बारे में हो गया। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, प्रोटीन क्या है? हेट्रोपोलीमर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का हेट्रोपोलीमर्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड्स क्यों? क्योंकि बहुत सारा एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर के एलिमिनेशन से। इसके बाद हम देखते हैं कि पेप्टाइड चेन का दो टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई प्रोटीन का चार स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, उसमें लीनियर फॉर्म में पेप्टाइड चेन होता है। सेकेंडरी जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हेलिकल और दूसरा जो होता है वो होता है बीटा प्लीटेड। तो सेकेंडरी में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक हेलिकल और दूसरा बीटा प्लीटेड। तो सिंगल पेप्टाइड चेन जो होगा उससे बनेगा हेलिकल, और डबल जो होगा उससे बनेगा बीटा प्लीटेड। इसके बाद सेकेंडरी के बाद टर्शियरी पर आते हैं। तो टर्शियरी जो होता है थ्रीडी होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्टरनरी। तो क्वार्टरनरी जो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग इसको डायग्राम बना करके तब स्टडी करते हैं। प्रोटीन जो है इसका चार स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि एक चेन है और वो सीधा है, एक पेप्टाइड चेन है और वो क्या है, सीधा है। इसमें ये जो एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, दो टर्मिनल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दो स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर है, एक है अल्फा हेलिक्स, सिंगल रहेगा इसमें। ये जो डॉट डॉट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बीटा प्लीटेड जो है अल्फा हेलिक्स में सिंगल रहेगा पेप्टाइड चेन, और बीटा प्लीटेड जो है ये तभी बनेगा जब दो पेप्टाइड चेन होगा, तब बनेगा बीटा प्लीटेड। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, थ्री डी स्ट्रक्चर है। और क्वार्टरनरी में बहुत ज़्यादा ही फोल्ड होता है और एक से अधिक पेप्टाइड चेन जो है उसका हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, उलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, नंबर वन प्राइमरी, सेकेंडरी में दो, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शन वाइज प्रोटीन को हम लोग इतने प्रकार में बांट सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखें कोलिजन, ये जो सेल के ग्राउंड सब्सटेंस, टिश्यू का जो है ना ग्राउंड सब्सटेंस, कोलिजन प्रोटीन से बना होता है। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, ये फाइबर्स भी बनाता है। जैसे फाइबर्स दो तरह का होता है, येलो इलास्टिन और दूसरा कोलिजन फाइबर, वाइट कोलिजन फाइबर। तो ये सब प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ये सब क्या है, इंजाइम्स है। तो इस तरह के प्रोटीन को कहते हैं इंजाइम्स प्रोटीन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, तो ये प्रोटीन है। और ये कैसा काम करता है ये प्रोटीन, तो हार्मोन की तरह काम करता है। इसमें 51 एमिनो एसिड होता है, 51 एमिनो एसिड होता है। इसके बाद एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, और ये फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेन से लड़ाई करता है। रिसेप्टर, देखिए रिसेप्टर में कई तरह का रिसेप्टर है, जैसे स्मेल रिसेप्टर है, टेस्ट रिसेप्टर है, या फिर रिसेप्टर में और भी रिसेप्टर, जैसे हार्मोन रिसेप्टर है। जैसे हार्मोन तो बनता कहीं और है, जो जहाँ बनता है उसको कहते हैं टारगेट, ये ओरिजिन प्लेस, जहाँ पर हार्मोन बनता है उसको ओरिजिन प्लेस कहते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्क करता है उसको कहते हैं टारगेट प्लेस। तो एट टारगेट प्लेस क्या है कि वहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर होता है, और या तो हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर होगा टारगेट सेल के, या फिर सेल के अंदर होगा। और जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर दोनों
जुड़ता है तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और तब वो हार्मोन जो है अपना एक्शन करता है। रिसेप्टर के बाद ग्लूट फोर, ये क्या करता है तो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि बॉडी के अंदर बहुत तरह का प्रोटीन्स है, जैसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है सबसे बड़ा प्रोटीन होता है, लगभग उसमें 600 एमिनो एसिड होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में 600 एमिनो एसिड होता है, 600 एमिनो एसिड होता है। और इंसुलिन ये बहुत छोटा है, तो छोटा प्रोटीन है और इसमें क्या है कि 51 एमिनो एसिड होता है। तो इस तरह हम लोग देखें फंक्शन वाइज प्रोटीन को इतने पार्ट में बांटा गया है और यहाँ पर सबका फंक्शन हम लोगों ने देखा। प्रोटीन का टेस्ट अगर हम देखते हैं, प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं कैसे टेस्ट करेंगे प्रोटीन को। मान लिया जाए कि फूड सैंपल दिया गया है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग फूड सैंपल लिए, तो कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें प्रोटीन है भी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसमें डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे, ये सैंपल में डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल करके इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये येलो होगा, तो प्रोटीन मे बी प्रेजेंट, प्रोटीन हो सकता है। इसको इस ठंडा करेंगे, कुल करेंगे, कुल करने के बाद इसमें पुनः NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, येलो से कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो जब ऑरेंज हो गया तो कन्फर्मेशन मिल गया कि गिवन फूड सैंपल कंटेन प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है क्लियर हो गया, प्रोटीन के कितना स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने देखा, और प्रोटीन का फंक्शंस क्या है, क्या वर्क करता है बॉडी के अंदर, प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड कितना टाइप का होता है, 20 टाइप का होता है, उसमें से 10 जो है इसेंशियल है, इसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहते हैं, जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन बॉडी उसका सिंथेसिस नहीं करता है तो ये इसेंशियल एमिनो एसिड है, और बॉडी के लिए ज़रूरी है और बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है तो वो नॉन इसेंशियल है। एक कहावत जानते होंगे, घर के मुर्गी दाल बराबर, तो अगर मुर्गी घर में ही पैदा हो रही है तो दाल के बराबर है, कहने का मतलब कि उतना इसेंशियल नहीं है। तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की आवश्यकता है और बॉडी उसको सिंथेसाइज कर लेता है तो वो घर के मुर्गी दाल बराबर है, मतलब वो इसेंशियल नहीं है, नॉन इसेंशियल है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों में देखा जाएगा तो 12 जो है इसेंशियल और 8 जो है नॉन इसेंशियल है, जबकि एडल्ट में देखा जाए तो 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड का टाइप देख ले। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड में एक कार्बोक्साइल और एक अमाइन ग्रुप रहता है, यानी दोनों बैलेंस वे में रहता है तो न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया, कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक एमिनो एसिड हो गया, और अगर अमाइन ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। तो एमिनो एसिड जो है उसका टाइप हमने बताया, तो टोटल टाइप कितना है, 20 है। उसको हम लोग किस आधार पर, इसेंशियलिटी के आधार पर बांटे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, पीएच के आधार पर बांटे, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। तो ये एमिनो एसिड का टाइप है। किसी भी प्रोटीन का पहला एमिनो एसिड क्या होगा, मेथियोनिन, और उसका जेनेटिक कोड क्या होता है, AUG। ये सब जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, लेकिन हाँ इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। एक्चुअली क्या है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इस लाभ को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी ये लाभ मिले, ऐसा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स गुड।